देके पट्टा देके उनको जमीन का मालिक बनाएंगे। मध्य प्रदेश की धरती पर किसी गरीब को बिना जमीन के नहीं रहने दिया जाएगा, चाहे वो एससी एसटी सामान्य पिछड़ा माझी भाई बहन कोई भी हो, क्यों हर एक की भलाई हमको करना है। और किसान भाइयों, अगर लाडली बहनाओं को 1250 मिल रहा है तो 1000 अपन को भी तो मिल रहा है। 6000 पीएम साहब दे रहे हैं, 6000 सीएम देते, पहले 400 कह रहे थे अब 6 कर रहे हैं। और इतने ही थोड़ी रहे भैया, जुगाड़ हमने तो इधर भी बढ़ाई है। मैं तो ये भी सोच रहा हूँ इधर उधर की सब्सिडी वाली योजनाएं बंद करके सीधे किसान के खाते में पैसा डाल दो अपने। बोलो ठीक बात है कि नहीं? अपने हिसाब से खर्चा करेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, ईमानदारी से जरा दिल पे हाथ रख के बताएं, विकास के लिए कांग्रेस ने क्या कर दिया? अगर कांग्रेस विकास करती, बताओ कभी कांग्रेस ने कोई ऐसी सड़कें बनाई थी क्या? कभी सिंचाई की व्यवस्था की थी क्या? सरकार बनने के बाद सिंधिया जी ने बहुत चेताया, ये कर दो, विकास करो, जनता को राहत दो। तो उनसे ही कहने लगे निपट लो तुम, तो आ जाओ सड़कों पे। अब उन्हें निपटा दिया। इमरती देवी ने भी कहा कि भैया अपन तो मामा के संग रहेंगे, भैया के संग जाएंगे। उनकी सरकार उनके पापों के कारण गिरी। आगे जो हम करने वाले हैं, मैं उसके बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ। नंबर एक, लाडली बहना के बाद हर बहन को लखपति दीदी बनाएंगे, लखपति दीदी। और लखपति दीदी का मतलब है 10,000 रुपया महीना उसकी आमदनी स्व सहायता समूह के माध्यम से हम करवाएंगे। क्यों हम गरीब रहे? क्यों हम आंसू बहाए? क्यों रोए? क्या केवल हम रोने के लिए पैदा हुए? ये जिंदगी बदलना हमारा उद्देश्य है। और एक और हमारा संकल्प है, एक परिवार प्रत्येक परिवार एक रोजगार, प्रत्येक परिवार एक रोजगार। मैं कहूंगा प्रत्येक परिवार, आप कहिए एक रोजगार। प्रत्येक परिवार एक रोजगार, प्रत्येक परिवार एक रोजगार। हर परिवार को एक रोजगार हमको अगले टर्म में उपलब्ध कराना है, ताकि बेरोजगारी किसी परिवार को तबाह और बर्बाद ना करे। मेरे बच्चे मुझे मामा मामा कहकर दौड़ते, मैं जाता हूँ, छोटे छोटे बच्चे जिनको पता ही नहीं है सीएम क्या होता है, लेकिन मैं आता हूँ तो उसको लगता है ये दुबला पतला आदमी अपना मामा है, मुझे मामा मामा कहता है। बट बड़े बच्चे आजकल थोड़ी शरारत भी करते हैं, मुझे कहते हैं मामा आई लव यू, तो मैं भी कहता हूँ आई लव यू टू। अब इन बच्चों का भविष्य बनाना है। इमरती देवी जी ने बहुत से काम करवाए हैं, हारने के बाद भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। एक दिन ये बहन मेरी बैठी लगातार मुझसे कहती रही कि ये काम और। अब इमरती जी सीएम राज स्कूल अपन बना रहे हैं, डबरा में पूरी विधानसभा में 10 सीएम राज स्कूल बनाऊंगा। प्राइवेट स्कूल से कई गुना बेहतर सीएम राज स्कूल, एक एक की बिल्डिंग 40-40 करोड़ की, लैब लाइब्रेरी स्मार्ट क्लास, बस लेने जाएगी बस छोड़ने जाएगी, बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। हमने बच्चों की इतनी व्यवस्थाएं की, साइकिल देने का काम किया, अच्छे नंबर लाए तो लैपटॉप देता है मामा, और अच्छे। अभी बीच में मत बोलो भाई, देखो बीच में मत बोलो, ऐसे में मामा गुस्सा हो गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हमने बच्चों लैपटॉप देने का फैसला किया, हमने जो बेटी और बेटा अच्छे नंबर लेके आए उसको हमने स्कूटी देने का फैसला किया। और एक बात सुन लेना आप सब ध्यान से कि मेरे बच्चों का एडमिशन अगर उनकी मेहनत से मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज आईटीआई आईआईएम में हो तो फीस चाहे कितनी भी हो उनके माता पिता नहीं उनका मामा भरवाएगा। हर हम बच्चों के सपनों को कीमत पर मरने नहीं देंगे। मेरे प्रिय मित्रों, कांग्रेस ने तो कुछ दिया नहीं, जितनी योजनाएं थी इमरती देवी जी बता रही थी सारी की योजनाएं बंद कर दी। जैसे ही इनकी सरकार बनी संबल योजना इन्हें बंद कर दी, बेटा बेटियों की पढ़ाई की जो लैपटॉप की योजना थी लैपटॉप देना बंद कर दिए, और बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा बंद कर दी। अब हमने तय किया है कि रेल से नहीं
हवाई जहाज से भी तीरथ लेते जाएंगे। किसान भाइयों, इन्हें किसान सम्मान निधि के नाम नहीं भेजे, जल जीवन मिशन लागू नहीं होने दा। प्रधानमंत्री आवास के जो मकान थे प्रधानमंत्री दिए थे वो इन्हें वापस लौटा दिए, कन्याओं की शादी करके कन्याओं को पैसे नहीं दिए। कितने पाप इन्हें किए, उसी पाप से तो कमलनाथ की सरकार गिरी है। लेकिन इमरती देवी जी, आप जानती है कि आप चुनाव नहीं जीती तो भी आपने जो त्याग किया था उसको हम कभी भूल नहीं सकते। मैं दिल से इज्जत करता हूँ जो त्याग किया था एक अच्छी कार बनाने के लिए, उसमें इमरती देवी के योगदान को कभी भुलाया नहीं सकता। और इसलिए सुन लो, इमरती देवी कह रही थी कि कमलनाथ कहते थे हम क्या करें, मेरे पास पैसे ही नहीं है। पैसा नहीं है तो मुख्यमंत्री का बन गए भैया, ये तो हर कोई कह रहा, लल्लू पन्ना धन्नू कल्ला कोई कह देता है मैं क्या करूं, पैसा ही नहीं है तो घर तो पैसा नहीं है। मैं कह रहा हूं मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। आज तक विकास के लिए भी पैसा दिया, अब लाडली बहना ने बना दी, कितने रुपया लगते हैं, लेकिन मामा देगा, चिंता मत कर। और एक बात और सुन लेना, इमरती देवी का मैं हृदय से सम्मान करता हूं, इसलिए डबरा वालों आज ये कह के जा रहा हूं जो इमरती मांगेगी मामा इनकार कभी नहीं करेगा, भाई इनकार कभी नहीं करेगा। और देवी जी, आपने डबरा को जिला बनाने की बात कही है, मैं सहमति बना डबरा को जिला बनाऊंगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और आपसे आपसे मेरा निवेदन है, एक कसक मेरे सीने में है, एक दर्द मेरे सीने में है, एक बोझ सिर पर है कि जो इमरती देवी मेरे कारण पार्टी सरकार छोड़ के आई, सरकारी पार्टी छोड़ के आई, वो इमरती देवी बाय इलेक्शन नहीं जीत पाई। आज तक वो हार मेरे सीने में कांटा बन के कसकती है। इस बार मैं आपसे हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करने आया हूँ, इतनी तेजस्वी लगातार काम करने वाली, आपकी सेवा करने वाली, जो दिल में होता वाणी पै जाता है, कभी छुपाती नहीं, जो दिल में होता है वो जबान को, ऐसी सरल हमारी बहन इमरती को आपका आशीर्वाद दे। इमरती देवी को आप आशीर्वाद दे, कमल के फूल की बटन दबाए, भारतीय जनता पार्टी को जिताए, ये मेरी गारंटी है शिवराज सिंह चौहान, मैं डबरा के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा, कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। बोलिए, आप सबका आशीर्वाद मिलेगा, इमरती देवी को विधायक बनाएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे। सुन लो आज वालों, केवल इमरती देवी नहीं, केवल शिवराज नहीं, आपको भी आज से चार में निकलना होगा, घर घर जाए, हर द्वार घर घर आए, जो नहीं समझ समझाए, इमरती देवी को विधायक बनाए। बोलिए, सब तैयार है, उठाइए मेरे साथ दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और आज संकल्प ले,